आई एम ईशराज देशमुख एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यू विल एवर बी वॉचिंग अबाउट कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर क्लास टेंथ आई सी एस सी सो विधाउट अ फर्दर डू लेट स्टार्ट द वीडियो तो फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आपके पास टोटल में दस सॉरी आपके पास टोटल में बारह चैप्टर है आई एल बी गोइंग चैप्टर वाइज एंड आई एल टेल यू दैट विच टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर सो लेट स्टार्ट सो द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ओ ओपी के अंदर ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं जाते एक्सेप्ट फॉर द एमसी और एमसी में भी कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसी के अंदर डेटा एब्सट्रक्शन एंड कैप्सुलेशन इनहेरिटेंस और पॉलीमोर्फिजम से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके आएंगे विद दैट बिंग सेड लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर टू इज एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस लुक ये जो चैप्टर है ना सेक्शन ए में इतना पूछा जाता है यू कैन लुक एट एनी मॉक पेपर यू नो मॉक पेपर सैम्पल पेपर पी वाई क्यूज ये जो चैप्टर है इट इज़ इजोर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक इसके अंदर से एम सी क्यूज इतने फ्रेम नहीं होते ना तो कोई टू मार्कर क्वेश्चन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन प्रिंट होते हैं ना तो इसमें से कोई कोड पूछा जा सकता है सो इवन इफ यू आर इवन इफ यू हैव नॉट ओपन द पेज ऑफ दिस चैप्टर ओके यू आर गुड टू गो चैप्टर नंबर क्लासेस बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटिंग लुक लिसन केयरफुली इसके अंदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक सेकेंड हाँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ऑपरेटर्स राइट ऑपरेटर्स में क्या होता है टू से फोर मार्क का क्वेश्चन अबाउट द ऑपरेटर्स इज ऑलवेज आस्ट इधर इन द फॉर्म ऑफ यूल बी वैल्यू ऑफ ए फिर उसके बाद एक ही पूरी इक्वेशन होगी लाइक पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई डिवाइड थिंग एंड सेकेंड थिंग एम सी की उसके अंदर भी आपको ये कैलकुलेट करने को आ सकता है सो जस्ट लर्न दिस ऑपरेटर्स राइट हाउ टू यूज दिस ऑपरेटर्स एंड उसके अंदर भी एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स इन मैथ्स वी हैव बोर्ड मास so, likewise in computer, we have something called as order of precedence. in which order should we first solve which operator? that is the order of precedence. go and learn it. right, chapter number four, data input using scanner class. wait a second. i forgot to tell you this. mathematical library methods. Jo hai. this basically contains four to six marks of your entire paper. अगेन और सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर क्या क्या है डॉट सील डॉट फ्लोर स्कवाइट डॉट एस क्यू आर टी डॉट ए बी एस सो दीज आर मैथमेटिकल फंक्शन विच यू कैन डिरेक्टली यूज इन योर कोड या तो ये लोग हमें डायरेक्टली ऐसा पूछ लेंगे जैसे कि मैथ डॉट सील फिर ब्रैकेट के अंदर बोलेंगे फोर पॉइंट सिक्स थ्री इसका मैथ डॉट सील बनाओ इसका क्या बनेगा सील मीन दीलिंग

कंडीशनल कंस्ट्रक्शन जावा इसके अंदर यू कै नॉट स्कीप अ सिंगल थिंग इफ इफ एल्स इफ एल्सिफ लैडर आपको बाय हार्ट होने चाहिए एंड वैन आई मीन बाय हार्ट इट मीन्स डैट आपको कोई नींद से भी जगा कर पूछे कि ये कोड इफ एल्सिफ का कोई कोड आ जाए देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट वाई बिकॉज दिस चैप्टर इज कंप्लीटली लॉजिकल

मैथड्स स्लैश फंक्शंस इन जावा मैथड स्लैश फंक्शंस में से लाइक कैसे क्वेश्चन आएंगे यू विल बी गिवन द फर्स्ट कोड मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं वन हंड्रेड परसेंट द फर्स्ट कोड ऑफ योर पेपर दैट इज ऑफ आई सी सी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कंप्यूटर बोर्ड एग्जामिनेशन द फर्स्ट कोड ऑफ द पेपर विल ऑलवेज बी अ डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ कोड जिसके अंदर आपको अलग अलग फंक्शंस लिखे होंगे वो फंक्शन क्या क्या काम करते हैं आपको लिखना है थड थ्रू दिस राइट आपको मैथड डिक्लेरेशन उसमें आना चाहिए सो so, उसके अंदर फिर लास्ट में आपको पब्लिक स्टडी वर्ड में लिखना होता है फंक्शन सो दैट वे जो पहला कोड होता है यू कैन अश्योर फुल मार्क्स इन दैट कोड वंस यू लर्न दिस चैप्टर विच चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन मैथड स्लैश फंक्शन इन जावा पंद्रह मार्क का कम से कम ये आता है चैप्टर किस तरीके से कोडिंग में और वो भी आपका पहला ही कोड होता है ये सो लर्न इट एंड इट्स रियली सिंपल पंद्रह मार्क आपके हाथ में होंगे एंड इट्स नॉट अ बिग डील जावा कंस्ट्रक्टर चैप्टर एट जावा कंस्ट्रक्टर में से देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से भी ज़्यादा एक चीज़ होती है इंपॉर्टेंट दैट इज ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग का कोड ट जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में होता है मेथड का कोड वैसे ही ओवरलोडिंग का कोड इज आस्ट ऑलमोस्ट एवरी क्लास एंड डेटा एंड कैप्सुलेशन सेम इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जस्ट गो थ्रू इट नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील जावा लाइब्रेरी क्लासेस चैप्टर नंबर टेन इसके अंदर आपको एक चीज सीखनी होगी रैपर क्लास रैपर क्लास के अंदर ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग और उससे भी एक चीज होती है एक्सप्लीसिट इम्प्लीसिट आई जस्ट शो यू यस इम्प्लीजिट कन्वर्जन इज ऑटोमेटिक एक्सप्लीजिट इज अ फोर्सफुल कन्वर्जन ओके कन्वर्जन की एक बार मैं बात कर देता हूँ सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ओके द फर्स्ट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड द सेकेंड इज नॉन प्रिमेटिव डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, अंदर अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना हो

चैप्टर इलेवन स्ट्रिंग हैंडलिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग का पंद्रह मार्क का क्वेश्चन आता है आई के नॉट से दट दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट ये भैया पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग हैंडलिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग तो आप कर ही दो स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर भी आई जस्ट शो यू उसके अंदर यहाँ ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग में ये सारे के सारे फंक्शन आपको बाय हार्ट होने चाहिए इनका यूज इनका रिटर्न टाइप इनका इनपुट टाइप

एरेज की थोड़ी प्रैक्टिस कर दो इसके अंदर ये पूरा कितना ऑलमोस्ट सौ पेज का चैप्टर है सौ पेज का चैप्टर पढ़ो मत ये जो मैंने चार पांच चीजें बोली सिर्फ वही प्रैक्टिस करो एंड यू आर गुड टू गो फॉर एंटायर कंप्यूटर सो दीज आर द थिंग्स विच यू कीप यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस कंप्यूटर एप्लीकेशन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड आईव सर्ट दिस इंफॉर्मेशन बाय माई एक्सपीरियंस मैं जितने भी अभी तक के पेपर सॉल्व किया है एंड इफ यू डोंट Believe me, just go and yourself just look at all the PYQs, all the sample papers that you have, all the mock papers that you have, and just see and analyze the paper by yourself. Right? Best of luck from my side. Keep watching. Do subscribe. Bye bye.